हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज बात करूंगा फार्मा फ्रेंचाइजी कंपनी को कैसे ग्रो करें। बहुत सारे हमारे फ्रेंड हैं जो फार्मा फ्रेंचाइजी कंपनी रन कर रहे हैं। मैं यहां कंपनी का, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो कंपनी रन करते हैं, जो लोग फार्मा फ्रेंचाइजी लेके एज ए मेडिकल रैप काम कर रहे हैं, उनके बारे में आज इस वीडियो के अंदर मैं बात नहीं करूंगा। बट एज ए कंपनी अगर आप काम कर रहे हैं तो जो मतलब फ्रेंचाइजी जो देते हैं, राइट, जैसे चंडीगढ़ बेस्ड कंपनीज हो गई, अहमदाबाद बेस्ड कंपनी हो गई, अगर उसमें से आप लोग हैं कोई, तो अभी जो अगर सेल्स ग्रोथ को देखा जाए तो सेल्स ग्रोथ बहुत ही कांस्टेंट हो गया फार्मा फ्रेंचाइजी का। यस, कोविड के बाद बहुत सारा कंपटीशन आया है, बहुत सारे लोग, नए प्लेयर्स आ गए हैं इस फील्ड के अंदर, जिसकी वजह से ग्रो करना काफ़ी ज़्यादा टफ हो गया है। सेल या तो कांस्टेंट हो गई है या फिर सेल डीग्रो करनी स्टार्ट की हो गई है, राइट। एक तो यहाँ पे प्राइस वॉर है, बिकॉज ऑफ दैट रीजन पहले जितना प्रॉफिट था अभी उतना प्रॉफिट नहीं रहा, क्योंकि नए प्लेयर की एंट्री हुई है और वो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए सब कुछ देने को तैयार है, राइट। तो ऐसे कंडीशन के अंदर हम फार्मा फ्रेंचाइजी बिजनेस को ग्रो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं शेयर करता हूँ फ्रेंड। तो उसको अगर आप अपनी फार्मा कंपनी के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं, फ्रेंचाइजी कंपनी के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। जिसमें से सबसे पहले नंबर, कुछ मिथ मैं बता देता हूँ। पहले नंबर में मिथ ये है कि जैसे इंडिया मार्ट है, फार्मा होपर्स है, इस टाइप की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। मैं इनकी बुराई तो नहीं कर रहा हूँ, बट यहाँ पे हमको ना बहुत ज़्यादा फाल्स लीड मिलता है। अगर आप न्यू फार्मा कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं एज ए PCD, तो इसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा विश्वास मत करिएगा। इनको पैसे दे के आप फंसिएगा नहीं, मैं आपको यही बोलूँगा, पैसा खर्च करिए, लेकिन थोड़ा अपने ही पोर्टल के ऊपर खर्च करिए, उसको SEO के थ्रू रैंक कराने की कोशिश करिए, सोशल मीडिया से लीड क्रिएट करने की कोशिश करिए, जो लोग हैं जो PCD लेना चाहते हैं उनसे डायरेक्ट कम्युनिकेट करने की कोशिश करिए, अपनी बात को सोशल मीडिया के थ्रू रखने की कोशिश करिए, वो ज़्यादा सही लीड आपको मिलेगा। मतलब जिसको जो इंटरेस्टेड है वही आप तक पहुंचेगा। तो ये जो कंपनीज हैं जो काम कर रही हैं, ये पहले शायद अच्छा काम करती होंगी, बट अभी के डेट में मैंने यही देखा है, जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है, कि ये लोग बहुत ही अच्छी लीड्स नहीं देती हैं, या फिर मैं बोलूँ कि जो लीड्स ये देते हैं उसमें बहुत, मतलब उसका परसेंटेज बहुत कम होता है जो कन्वर्ट होता है। तो इसलिए आप इन चीज़ों से थोड़ा सा अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरी बात यह है कि आपको एग्जिस्टिंग जो फार्मा फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल है उसको समझना पड़ेगा, अगर आप बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो। तो आप जितने भी लोग, अगर मैं बात करूँ, इसमें फार्मा फ्रेंचाइजी कर रहे हैं, सबके सब ट्रेडिशनल मॉडल पे बिजनेस कर रहे हैं, जैसा पहले था, मनमर्जी कर दिया रेट में, पैकेजिंग अपने हिसाब से दे दिया या अपने हिसाब से अच्छा देने की कोशिश कर दिया, रेट डाउन करने के चक्कर में टैबलेट की क्वालिटी अच्छी है कि नहीं, हार्डनेस है कि नहीं, पैकिंग प्रॉपर है कि नहीं, और उसके ऊपर लेबलिंग प्रॉपर है कि नहीं, ब्रांड USP तो बहुत दूर दूर तो क्या PCD ब्रांड के अंदर देखने को ही नहीं मिल जाता। तो ऐसे कंडीशन के अंदर सप्लाई का शॉर्टेज हो जाना, फिर उसके बाद जब अपने फ्रेंचाइजी पार्टनर को मेडिसिन दे दिया, उसके बाद सिर्फ उससे ऑर्डर की बात करना, अगर उसको सेल नहीं हो रहा है तो उसको हम कोई सपोर्ट नहीं देते हैं, उससे हम बात नहीं करते, भाई सेल क्यों नहीं कर पा रहे, आपके कौन से मेजर स्टेप्स लेने चाहिए, आप कहाँ किस जगह, मतलब आपके लूप होल्स कहाँ हैं, कुछ भी ये सब करने की कोशिश नहीं करते। मेजर मेरे कहने का मतलब यही है कि जो अभी ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल था, देखो पहले के कंडीशन में क्या हुआ करता था, कोविड से पहले अगर मैं जाऊं तो वहां पे दो ही टाइप की बेसिकली कंपनी हुआ करती थी, एक तो PCD कंपनी होती थी, एक बड़ी कंपनीज होती थी, इन्हीं बीच दोनों कंपनी के बीच में फाइट रहता, तो छोटी स्टार्टअप कंपनीज बहुत ही कम हुआ करती थी, तो वो उनके बीच में कोई फाइट नहीं था, वो फाइट में आती नहीं थी। लेकिन जैसे ही कोविड आया ना, कोविड के बाद सीनेरियो चेंज हुआ, यहाँ पे अभी स्टार्टअप्स आ चुके हैं इंडिया के अंदर, बहुत सारे फार्मा स्टार्टअप्स जो है आ गई हैं, और 2020-2021 के अंदर इतनी स्टार्टअप आ चुके हैं कि वो जो मार्केट शेयर लेने की कोशिश करना है ना डॉक्टर साइड से, वो फार्मा PCD का लेने चाह रहे हैं। थोड़ा बहुत मार्केट शेयर तो उन्होंने बड़ी कंपनीज की, क्योंकि बड़ी कंपनीज को हम जो मार्केट शेयर था PCD पहले ही ले रही थी, और जो स्टार्टअप आए हैं कंपनीज वो क्या कर रहे हैं, वो PCD अगर 10+2 को स्कीम दे रहा है, तो स्टार्टअप कंपनी अपने आप को सेट करने के चक्कर में 10+3 एंड 10+4 10+5 भी देने को तैयार है, मतलब PCD वाले पैटर्न पर वो भी काम करने को तैयार हैं, बिल्कुल एग्री हैं। अंडरस्टैंड, इस केस के अंदर पहले आप एज ए PCD कंपनी बड़ी कंपनीज तो फाइट कर जाते थे क्योंकि वो स्कीम नहीं देती थी, अभी ये छोटी कंपनी जो स्टार्टअप्स आए इनके साथ, इनके साथ आप फाइट नहीं कर पाएंगे, राइट। तो इसके लिए अपने जो एम्प्लॉई हैं, जो आपके फ्रेंचाइजी पार्टनर है, उनको आपको एम्पावर करना पड़ेगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है कि ट्रेडिशनल मार्केट को छोड़ के थोड़ा अपने जो फ्रेंचाइजी पार्टनर हैं उनको एम्पावरमेंट शुरू करिए। तीसरा है ट्रेनिंग सपोर्ट, जो कि PCD के अंदर दूर दूर तक तो कहीं दिखाई नहीं देता। ट्रेनिंग सपोर्ट ना होने की वजह से कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है आप समझ नहीं सकते। जैसे कि एग्जाम्पल मैं लेता हूँ कि आप अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, बहुत इनोवेटिव ब्रांड लेके आए हैं, लेकिन क्या होगा कि जब तक आपका फ्रेंचाइजी पार्टनर उस इनोवेटिव ब्रांड का डिमांड नहीं करता, आप लॉन्च नहीं कर सकते, या फिर आप लॉन्च कर भी दिए तो सबके पास एक ओवरऑल मैसेज दे देते हैं कि इस टाइप का मॉलिक्यूल हमारे पास में आ गया है, जिसको लेना हो ले ले।
अभी वो इनोवेटिव है, नया मॉलिक्यूल। आप मुझे बताओ कि कैसे कोई फ्रेंचाइजी पार्टनर उस ब्रांड को लेगा जब उसके बारे में मालूम ही नहीं है, उस साल के बारे में उसको नॉलेज नहीं है। हो सकता है बहुत ही इनोवेटिव हो, बहुत अच्छा मॉलिक्यूल है, उसके रिस्पॉन्स बहुत अच्छे हों, बट जब उसको पता ही नहीं है उस मॉलिक्यूल के बारे में, तो वो कैसे लेगा, राइट? तो अगर आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, फार्मा फ्रेंचाइजी के अंदर ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा डिफिशियंसी है, और इस ट्रेनिंग को करने के लिए ना आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यूनिफॉर्मिटी लाना पड़ेगा अपने प्राइस के अंदर। अभी आपके जितने भी फ्रेंचाइजी पार्टनर होते हैं, सबका प्राइस रेट आप अलग अलग देते हो, राइट? जिसके साथ जैसी ट्यूनिंग होती है उस हिसाब से देते हैं। जब आप इस फॉर्मेट पर चलते रहेंगे, आप ट्रेनिंग बुला के नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रेट ओपन होने का आपको डर रहता है। तो सबसे पहले ये कोशिश करिए कि जितने भी आपके फ्रेंचाइजी पार्टनर है, सबका एक बराबर रेट हो, जो रेट हो सबके लिए एक जैसा हो। आप इस फॉर्मेट को प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। जब इस फॉर्मेट को आप प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर आप यहाँ पर ट्रेनिंग, वैसे तो ट्रेनिंग ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन एक बार या दो बार साल के अंदर सभी को बुलाइए, उनके साथ मीट करिए, एक होटल के अंदर मीटिंग रखिए, वहां पे अपने फ्रेंड प्रोडक्ट लॉन्चिंग आप करिए। इससे आपको हेल्प मिलेगा कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बता पाएंगे, मार्केट के अंदर कंपटीशन कैसा है, कौन से मार्केट प्लेयर हैं, किनके पास मेजर चंक है, कौन सा मार्केट सेल लेके बैठा हुआ है, किस यूएसपी के साथ ब्रांड प्रमोट करते हैं। ये सारी चीजें अगर अपने फ्रेंचाइजी पार्टनर को बताते हैं, प्लस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताते हैं, तो यस, वो इंपावर हो जाएंगे और उस ब्रांड को कैसे प्रमोट करना है डॉक्टर चैंबर के अंदर, ये चीजों को सीख पाएंगे। आज के टाइम की यह बहुत बड़ी नीड है जो कि फार्मा फ्रेंचाइजी कंपनीज नहीं करती हैं, और ये बहुत बड़ा लैकिंग है, जिसकी वजह से जो आपके पार्टनर है वो बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ में बिजनेस क्या बोलते हैं कंपटीशन फाइट नहीं कर पाते हैं, और वो सिर्फ स्कीम पे बाउंड हो जाते हैं, स्कीम पे ही बिजनेस करने के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है जो आपको अपने फार्मा फ्रेंचाइजी पार्टनर्स को देना चाहिए, वो है साइंटिफिक बैकअप। जब हम यूएसपी बेस्ड प्रोडक्ट नहीं बनाते, जब बनाते नहीं, तो उस कंडीशन के अंदर साइंटिफिक बैकअप देने का मैटर ही नहीं होता। तो यहाँ पे क्या होता, जो साइंटिफिक बैकअप के नाम पे जो चीज़ हम क्लिनिकल ट्रायल या कुछ भी ऐसा शेयर करते हैं, वो इतना ज़्यादा पुराना होता है कि वो डॉक्टर उसको सुनता नहीं, तो वही यूजलेस हो जाता है। जितनी भी फार्मा फ्रेंचाइजी कंपनी मैंने देखा आज तक, सबके सब वही ट्रेडिशनल, बहुत ही पुराना क्लिनिकल ट्रायल और चीज़ें, कुछ भी नया उसके अंदर देने की कोशिश नहीं करते कि चलो पेंटाप्रोजोल रेबिप्राजोल है, तो इसके अंदर सर ये नया इंडिकेशन आ गया जिसके अंदर आप पीपीआई को यूज कर सकते हो, इस टाइप का कुछ नया लाके देने की कोशिश नहीं करते। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि पीएमटी का ना होना फार्मा फ्रेंचाइजी कंपनी के अंदर। फार्मा जितनी भी बड़ी कंपनीज होती हैं फ्रेंड, उसके अंदर ना पीएमटी एक डिपार्टमेंट होता है जो इस टाइप के रिसर्च करता है, मार्केट ऑब्जर्वेशन करता है, मार्केट के अंदर कंपटीशन को ऑब्जर्व करता है। ये चीज़ मिसिंग होता है एक फार्मा फ्रेंचाइजी कंपनी के अंदर। फार्मा फ्रेंचाइजी कंपनी के अंदर दो ही टाइप के एम्प्लॉई होते हैं, एक टेलीकॉलर होता है जो कि लीड जनरेट करता है या क्वेरीज को सॉर्ट आउट करता है, दूसरा डिस्पैच डिपार्टमेंट होता है जो इन सब चीज़ों को देखता है, डिस्ट्रीब्यूशन में बोल सकता हूं। तो यही दो टाइप के डिपार्टमेंट रखे जाते हैं। लेकिन आज के टाइम पे अगर फार्मा फ्रेंचाइजी को आपको बड़ा करना है, ये तीसरा डिपार्टमेंट अपने अंदर इंट्रोड्यूस आपको करना पड़ेगा, जो है प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम। इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इतने ढेर सारे ब्रांड्स होते हैं, उसको मैनेज करने के लिए, उसके साइंटिफिक चीज़ों को डेवलप करने के लिए कहीं ना कहीं पीएमटी की हमें ज़रूरत पड़ती है। और यस, वो काफ़ी अच्छा कमाल कर सकते हैं आपके अंदर, या फिर आप खुद इसके ऊपर काम करें तो अलग बात है, लेकिन इस डिपार्टमेंट की नीड फिलहाल फार्मा फ्रेंचाइजी में है और आपको करना चाहिए, ताकि आप साइंटिफिक चीज़ें आप दे सको अपने जो फ्रेंचाइजी पार्टनर से। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है फार्मा फ्रेंचाइजी प्रोडक्ट के अंदर जो मिसिंग है, वो है यूएसपी बेस्ड ब्रांड। जैसा कि मैंने पहले पॉइंट में डिस्कस किया था कि अगर पहले नहीं सेकंड पॉइंट में यूएसपी ही नहीं रहेगी, तो आप सेल कैसे करेंगे? जब कंपटीशन होता है, तो उस समय हम प्रोडक्ट सेल नहीं करते। ध्यान रखिएगा, मार्केट के अंदर कंपटीशन बढ़ेगा तो हमें प्रोडक्ट सेल नहीं करना है, हमको डिफरेंसेस सेल करना होता है। और प्रोडक्ट के अंदर आप डिफरेंसेस क्रिएट करके नहीं दे रहे हैं, तो आपका फ्रेंचाइजी पार्टनर चाह के भी वो प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाएगा। फ्रेंचाइजी पार्टनर सेल नहीं कर पाएगा, अल्टीमेटली लॉस आपका होगा। आप थोड़ा दूसरे तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। आपको इस तरीके से सोचना चाहिए कि अगर मैं अपने फ्रेंचाइजी पार्टनर का सेल इंक्रीज कर दूं, तो मुझे बहुत सारे फ्रेंचाइजी पार्टनर की जरूरत नहीं है। दो तरीके से हम सेल इंक्रीज कर सकते हैं, या फिर मैं फ्रेंचाइजी पार्टनर इंक्रीज करूं जिसमें रेट बार्गेनिंग से लेकर पेमेंट और बहुत सारे पंगे आ जाते हैं, या दूसरा तरीका है मेरे पास जो अच्छे अच्छे फ्रेंचाइजी पार्टनर है उनकी सेल को डबल ट्रिपल या फाइव टाइम्स में इंक्रीज कर दूं, राइट? ये बहुत अच्छा तरीका हो सकता है एम्पावर करने का। इससे जो आप फाइव टाइम्स सेल को इंक्रीज करेंगे अपने फ्रेंचाइजी पार्टनर्स का, उसमें आपको बहुत बड़ा एडवांटेज ये मिलेगा मार्केट के अंदर ब्रांडिंग। अगर एक बार ब्रांडिंग सेट हो गई, तो आपको पैसिव सेल जनरेट होने लगेगा, जो कि फार्मा फ्रेंचाइजी के अंदर देखने को नहीं मिलता। पैसिव सेल जनरेट होगी तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत तेजी के साथ ग्रो कर जाएगी। कल को कोई पहली बार तो
कोई बंद नहीं करेगा फार्मा फ्रेंचाइजी आपका काम, और बंद कर भी देता है तो आप पैसिव सेल की वजह से उस हेडक्वार्टर को चला पाएंगे फ्रेंड। तो यूएसपी आप ऐड करना स्टार्ट कर दीजिए अपने ब्रांड के अंदर, कलर, टेस्ट, फ्लेवर, ये सब चीज़ों से क्रिएट की जाती हैं, प्रोडक्ट का डिसइंटीग्रेशन टाइम हो गया, डिजिटलाइजेशन हो गया, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम डिफरेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है उसकी अगर मैं बात कर दूँ वो है पैकेजिंग मटेरियल का। अभी अभी मैं देखा जितने भी फार्मा फ्रेंचाइजी मैंने प्रोडक्ट देखे हैं उसके अंदर एक मुझे बहुत कॉमन सी चीज़ दिखाई देती है, वह आलू आलू पैकिंग। सब कोई आलू आलू पैकिंग दे रहे हैं, नहीं हमारे यहाँ आलू आलू पैकिंग होता है, बहुत अच्छा पैकिंग देते हैं आलू आलू पैकिंग, लेकिन आलू आलू पैकिंग के अंदर भी लेयर्स होते हैं। कितना थिन आप एल्युमिनियम फॉयल पैकेजिंग दे रहे हैं उसको भी जरा देखिए। आलू आलू के नाम पे मैंने देखा सभी फार्मा कंपनीज तो देने लग जा रहे हैं, जितनी फार्मा कंपनीज है, लेकिन उस आलू आलू पैकिंग की जो क्वालिटी है बहुत ही पैथेटिक, बहुत ही पुअर क्वालिटी देखने को मिलता है। इतना पुअर होता है कि जब डब्बे के अंदर वो पैक होके आता है या फिर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जब उसको मार्केट में अपने बैग के अंदर रख के जाता है तो वो दब जाता है, पिचक जाता है, जिसकी वजह से साफ पता चल जाता है वो मेडिकल स्टोर पे जाता है या फिर मेडिकल क्या बोलते हैं डॉक्टर के पास में जाता है, वो फ्रेंचाइजी सॉरी जेनरिक में सिप्ला का जेनरिक हो गया, एमक्योर का जेनरिक हो गया, टेरोन का जेनरिक हो गया, इनका जो है प्रोडक्ट निकाल के लेके आता है। अगर सिप्ला के जेनरिक का रविप्रा जो आप देख लेंगे ना, फ्रेंचाइजी कंपनी से लाख गुना अच्छा उसकी एल्युमिनियम की फाइल पैकिंग है। अभी वो तो इतने सस्ते में देके जा रहे हैं, आप जो है एथिकल बना के बेच भी रहे हैं और आपकी पैकेजिंग इतनी पुअर है कि वो दामने पे पिचक जा रहा था। क्यों कोई मेडिकल स्टोर वाला लेगा और क्यों कोई डॉक्टर डिस्पेंसर डॉक्टर लेगा, वो जेनरिक यूज नहीं कर लेगा जिसकी पैकेजिंग एकदम शानदार है, पेशेंट भी हैप्पी हो जाता है और उसको साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी पड़ता है, क्यों लेगा? तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पैकेजिंग मटेरियल के नाम पे सिर्फ आलू आलू मत दीजिए, जो है आलू आलू की जो क्वालिटी है, कितने एमएम लेयर की एल्युमिनियम फॉइल आपको यूज करना चाहिए उसको आप इंश्योर करें। कितने एमएम को होना चाहिए मैं ये बात नहीं करूंगा क्योंकि मेरा उसमें उसके अंदर एक्सपर्टीज नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग में मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, बट यस आप सभी लोग उस काम को कर रहे हैं आपकी उसके अंदर एक्सपर्टीज है। आप कंपनीज के जो लीडिंग ब्रांड्स है, जैसे मैं एफडीसी कंपनी की जिफी की बात करूँ आप उसको देख सकते हैं, आप जिंकोविट को मार्केट के अंदर देख सकते हैं, और इसके अंदर हजारों ब्रांड मार्केट के अंदर है जो टॉप कंपनीज के, उनके जरा आलू आलू पैकिंग की क्वालिटी देख लीजिए, राइट, मैनकाइंड की बहुत सारी पैकेजिंग आप देख लीजिए, तो आपको सीखने को मिलेगा कि यार आलू आलू पैकिंग क्या होती है और कितने एमएम का लेयर हमें एल्युमिनियम फॉइल यूज करना चाहिए। लीफोर जैसी जेनरिक कंपनी की पैकेजिंग को आप फॉलो कर सकते हैं, इतना टाइट एल्युमिनियम फॉइल पैकिंग देते हैं कि कहीं भी ट्रेवल हो जाए पूरे इंडिया के अंदर डब्बा फेंका जाता है, मतलब यहां से वहां फेंका जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी एल्युमिनियम फॉइल डैमेज नहीं होती है, राइट। तो आप इसके ऊपर आपको जो फार्मा फ्रेंचाइजी कंपनी है काफी ज्यादा एग्रेसिव काम करने की जरूरत है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखने को मिलता है मैंने देखा कि फार्मा कंपनीज के अंदर वो है फ्रेंचाइजी में शॉर्टेज का। किसी कोई एमआर अच्छे से काम करने लगा तो उसका स्टॉक ही गायब हो जाता है, स्टॉक ही काफी लंबे टाइम तक नहीं मिल पाता। तो इसके कंडीशन के अंदर फ्रेंड आपको जो हमारा सेल्स रेशियो होता है उसको देखना पड़ेगा, लास्ट ईयर कितना आपने सेल किया, कितना लास्ट मंथ सेल चल रहा है उसके हिसाब से, क्योंकि प्रोडक्शन जब जैसे गर्मी का टाइम आता है यहाँ पे पीक पे होता है और यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग टाइम है समथिंग अराउंड 60 डेज के आसपास रेंज कर जाता है। तो 60 डेज में हमारे पास प्रोडक्ट आना है तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपना जो प्रोडक्ट ऑर्डर सिस्टम है उसको बदलना चाहिए, उसको मेंटेन करना चाहिए ताकि प्रोडक्ट की जो शॉर्टेज आती है शॉर्टेज ना आने पाए, क्योंकि एक मेडिकल रैप ना सच में बहुत ज्यादा मेहनत करके तब बिजनेस जनरेट करता है। ऐसे कंडीशन के अंदर प्रोडक्ट शॉर्टेज होता है ना उसको बहुत पेन करता है। आप शायद एक फार्मा फ्रेंचाइजी उस पेन को या उस दर्द को नहीं समझ सकते, क्योंकि जब एज ए मेडिकल रहा मैंने काम किया तो मुझे मालूम है एक प्रोडक्ट के बिजनेस जनरेट करने में कितना ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, कितना दर्द होता है। तो वो शॉर्टेज होता है ना बहुत पेनफुल सिचुएशन होता है किसी डॉक्टर को मैनेज करना, बड़े मुश्किल से तो हमने कन्विंस किया, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी रेगुलर कॉल रिमाइंडर सब कुछ करके तो हमने कन्विंस किया और उसके ऊपर से प्रोडक्ट शॉर्टेज हो जाता है, राइट। तो ये बहुत पेनफुल सिचुएशन होता है, आपको इसको मैनेज करना चाहिए। ये मैंने कुछ मेजर एंड मोटे मोटे पॉइंट्स थे फ्रेंड जो फ्रेंचाइजी के अंदर मैंने देखा मुझे गैप नजर आया। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एक फार्मा फ्रेंचाइजी जो पार्टनर लेके काम करते हैं उनको कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है उसको ऑब्जर्व करिए, उसको अपने कंपनी के अंदर रिजॉल्व करिए। और यस यहाँ पे मैं एक चीज मिसिंग था वो और ऐड कर देता हूँ, ऑनलाइन। यस आपको ऑनलाइन कंपनी लॉन्च करना चाहिए, ऑनलाइन काम करना चाहिए जिससे आप ब्रांडिंग को इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। ज़्यादा डिटेल के लिए मेरा यहाँ पे नंबर दिया गया है, आप मुझसे कंसल्टेशन बुक करके बात कर सकते हैं, मैं आपको ऐसे ही बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़ और बहुत सारे तरीके बता सकता हूँ जिसके थ्रू आप अपनी फार्मा फ्रेंचाइजी कंपनी को ग्रो कर सकते हैं, और कौन से मेजर स्टेप्स आपको लेना चाहिए वो मैं आपको बता सकता हूँ जिससे आपकी भी हेल्प हो गई और आप ग्रो कर सकते हैं, राइट। चलो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा मेरे लिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और यस
आप चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलता रहे। ठीक है, चलो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम।